दोस्तों दिवाली साल में एक बार आती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को दिवाली से ही ज्यादा खतरा लगता है पॉल्यूशन का। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई नेचुरल पहाड़ है, लेकिन यहाँ कोई नेचुरल पहाड़ नहीं है। दोस्तों यहाँ एक ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर का एक लैंडफिल है, जो कि दिल्ली वालों ने खुद बनाया है अपने कूड़े और कचरे से। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन को लेकर कितना एक्टिव है, यहाँ तो इस कूड़े के पहाड़ से पता लग जाता है। हम आए दिन पॉल्यूशन को लेकर न्यूज देखते रहते हैं तरह तरह की। प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ी चिंता सामने आ रही है पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार की एजेंसी सफर निभा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग बी बॉय। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली। हुआ कुछ यूँ, जैसे ही हमने इस पहाड़ को देखा तो हमें लगा कि यहाँ एक नेचुरल पहाड़ होगा, लेकिन जब इसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करी तो हमें पता लगा कि यहाँ एक कूड़े कचरे से बना हुआ है, जिसे कि दिल्ली वालों ने अपनी मेहनत से बनाया है। और यह पहाड़ इतना फेमस हो चुका है कि कुछ दिनों में यह दिल्ली की शान बनने वाला है। यह एरिया है गाजीपुर का, और दिल्ली से जो रोज 10,000 टन कचरा निकलता है वह इसी एरिया में आता है। दिल्ली के तीनों कोनों पर कूड़े के पहाड़ हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कूड़े के पहाड़ से जहरीली गैसें न केवल आबो हवा को खराब कर रही है, बल्कि आम लोग खतरनाक बीमारियों का सामना भी कर रहे हैं। कचरे से होने वाले रिसाव से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। कचरा डालने की मियाद पूरी हो जाने के बाद भी पिछले 10 से 12 वर्षों से इन जगहों पर कूड़ा डाला जा रहा है। कचरे से निकलने वाली खतरनाक गैसें जैसे कि मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें शामिल हैं। इसके अलावा कूड़े के ढेर में या तो आग लग जाती है या जानबूझकर लगा दी जाती है। गाजीपुर लैंडफिल साइट उत्तर भारत का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है। 70 एकड़ में फैले इस गाजीपुर लैंडफिल साइट में 3500 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा जमा हो चुका है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हर रोज 600 से 625 ट्रक कूड़ा लेकर आते हैं। लगातार कूड़ा आने से पहाड़ की ऊंचाई 50 मीटर से ज्यादा हो चुकी है। कई बार इसे बंद करने की या जगह परिवर्तन में की मांग उठी थी। कूड़े के पहाड़ राजधानी के जिस हिस्से में है वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। कचरे के पहाड़ के ऊपर खाने की तलाश में चील व अन्य पक्षी उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से विमान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। तो बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई हो चुकी है 65 मीटर, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर। ऐसे ही चलता रहा तो यह पहाड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी इस पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।